हेलो, गुड इवनिंग. नमस्कार. एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल. गुड इवनिंग गाइस. एक बार से सेशन लाइव हो जाए प्लीज कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा. वेरी गुड इवनिंग. ओके, गुड इवनिंग. थैंक यू सो मच. चलिए, अच्छा तो करते हैं यहाँ पे क्लास की शुरुआत और जरा देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आज हमारे रिवीजन के पार्ट पे रहने वाले हैं. तो इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक काम फटाफट से कर लो कि क्लास के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा, सो दैट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन ऑल्सो ज्वाइन द क्लास. ठीक है. वेरी गुड इवनिंग. अरे हे, आज तो पार्टी शार्टी हो रही है. चलिए, अच्छा. रौनक, गुंजन, राकेश, रोहित, हरे कृष्णा, सुष्मिता, इंटेलेक्चुअल. ओ भाई साहब, नाम देखो क्या रखा है इसने, इंटेलेक्चुअल. वेल, तो आइए जरा शुरुआत करेंगे यहाँ पर. और ये जरा ध्यान दीजिएगा कि आज आपके जो टॉपिक है वो कौन से वाले हैं. देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है कि हम लोग अवार्ड्स को जब पढ़ते हैं तो अवार्ड्स के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं. ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसके बेसिस पे, दादा साहब फाल्के अवार्ड्स के बेसिस पे आपका जो सेशन है वो यहाँ पर रहेगा. ठीक है, गुड टू गो. ऑल सेट. अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कल के आपके जो स्पेशल क्लासेस रहेंगे, क्योंकि कल तो है क्या, फ्राइडे, और आपको पता है कि फ्राइडे को आपके कुछ स्पेशल क्लासेस होते हैं. तो पहला क्लास तो सुबह 7 बजे करेंट अफेयर्स का जैसे होता है वैसे रहेगा वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पे, जहाँ पर कल हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे. उत्तराखंड के ऊपर न्यूज़ आई है, उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को जारी कर दिया है. उसके बाद में बायजू से जुड़ी हुई न्यूज़ है. तो काफ़ी सारी न्यूज़ कल हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज़ क्लास में समय पर आइएगा. इसके अलावा अन अकेडमी का स्पेशल क्लास जो कल आपका रहेगा वो है तराइन का युद्ध. इसके अंदर हम लोग दोनों वॉर के बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड. ये क्लास आपका अन अकेडमी पर रहेगा. इन क्लास के अंदर कभी कभी होता है कि आप ज्वाइन नहीं कर पाते हो, तो देखो चैट बॉक्स पे आपके लिए जो लिंक है वो ऑलरेडी शेयर कर दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा. अच्छा, एक चीज और आपको बता दें, कल आपके यूट्यूब पे दो और क्लासेस रहेंगे. ठीक है, पहला क्लास होगा आपका शाम को 4 बजे, जिसका टॉपिक क्या रहेगा, 5 राज्यों में जहां पर अभी इलेक्शंस कंडक्ट किए गए हैं यहां से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में छपेंगे उनको कराएंगे, यही अनअकैडमी पे इसी चैनल पे होगा. उसके बाद में कल शाम को 8 बजे का जो आपका टॉपिक रहेगा वो होगा रशिया और यूक्रेन के बेसिस पे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे. ये दोनों के दोनों क्लासेस आपके इसी चैनल पे वाईफाई स्टडी पे रहने वाले हैं. ठीक है, तो प्लीज़ इसको कहीं पर लिख लीजिएगा ताकि आपको ध्यान रहे. ऑल कूल. अच्छा, मेरी आवाज़ आज सभी लोग सुन रहे हैं. ऑल कूल. ओके, हैप्पी बर्थडे हाशु. ओके, जय श्री प्रीति, भूमि, शशांक, शुभम, मिष्ठू, राजबंसी, बंगाली बाबू. ओके, तो आई थिंक यहाँ पे अब हम लोगों को क्वेश्चंस की शुरुआत करनी चाहिए. ठीक है, चलो. अच्छा, तो पहला सवाल आपके सामने आता हुआ, जल्दी जल्दी रिवीजन करिएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें रिवीजन है. ठीक है, आकाश, नीलम, प्रीति, ओके, वैशाली, राइट. पहला सवाल, सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में जो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर अवार्ड दिया गया है, इसके अंदर बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया, छोटा रावण, समर, हिमानी, राजन, रिंकी, जयश्री, अश्रुति. जल्दी जल्दी आंसर करो गाइस, ये अवार्ड किसको दिया गया है, कौन सी मूवी हो जाएगी, भाग मिल्खा भाग, जीवन में कितनी भागम भाग है, आई थिंक इसी को अवार्ड मिला होगा. सोचो किसका आंसर, इसका आंसर क्या बनेगा, पूरी मूवी भी देखो हो सकती है, नहीं, पुष्पा को मिलेगा. ओहो, तुम लोग और तुम लोग की पुष्पा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पुष्पा इज द राइट आंसर. जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है उरी मूवी का. उरी मूवी की जब हम बात करेंगे तो इसको लास्ट टू लास्ट टाइम नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था. इसी के साथ में यहाँ पर एक नाम और लिखा हुआ है, दैट इज 83 नाम की जो मूवी आई थी, ये वर्ल्ड कप के बेसिस पे थी, जिसके अंदर कपिल देव, देखा होगा आपने यहाँ पर. अच्छा, लेकिन यहाँ पर जो एक्टर थे वो कौन थे, वो थे रणवीर सिंह, जिनको यहाँ पर बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया है. ठीक है, चलिए. अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं, बताइए बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो दिया गया, ठीक है,
हु हैज रिसीव द बेस्ट फिल्म अवार्ड, बेस्ट फिल्म अवार्ड, ध्यान से। तो इसका आंसर तो ये पुष्पा हो ही गया, ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइएगा। अगला आपसे पूछा जा रहा है, अरे यार ये स्लाइड आई थिंक ओके फाइन। एक्चुअली क्या होता है ना, कई बार ये बोर्ड को भी ना थोड़ा सा मरीजवाना इफेक्ट आ जाता है। चलो बताओ, अगला सवाल आपके सामने है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड, बेस्ट एक्टर का अवार्ड बताइए, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया? कृष्णा, वॉरियर, भूमि, ओके, हाँ, आज ऑल इंडिया रैंक 2 है ये रोहित के, अरे वाह बहुत सही। इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, रणवीर सिंह को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक बात का खास ख्याल रखिएगा, यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा हुआ है अमिताभ बच्चन जी, राइट। आप सबको पता है कि जब हम दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात करते हैं तो इसके अंदर दादा साहब फाल्के अवार्ड बोला, इंटरनेशनल अवार्ड नहीं बोला है, ठीक है। इसमें जो 58th नंबर का अवार्ड दिया गया था वो अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था, और अगर 51st नंबर का आपसे पूछा जाएगा तो ये रजनीकांत जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है, रणवीर सिंह इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड बताइए, श्वेता, आशीष, ओके। आई रिपीट गाइज कि कल आपके इसी चैनल पे दो क्लासेस रहेंगे यूट्यूब के, एक 4 बजे और एक 8 बजे। यहाँ पे पढ़ेंगे रशिया यूक्रेन, यहाँ पे पढ़ेंगे 5 राज्यों के अंदर जो अभी इलेक्शंस हुए हैं उनके बेसिस पे क्वेश्चंस को, ठीक है। कृति सेनन, ओए होए खुशी तो देखो जरा, कृति सेनन पक्का, चलो ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, कृति सेनन, ये मुझे अच्छी लगती है वैसे, क्यूट लगती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइए, बताइए सवाल में कहा जा रहा है कि हु रिसीव द अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फिल्म्स, यानी कि इनमें से कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनको अभी हाल ही में एक अवार्ड दिया गया क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। अभी आपको याद होगा कि अवार्ड्स दिए गए, लाइक एमी अवार्ड दिया गया, बेफ्टा अवार्ड दिया गया, ऑस्कर जो है वो भी अभी होने वाला है, राइट। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे बेफ्टा अवार्ड पूछा जाता है, राइट, तो बेफ्टा अवार्ड के अंदर इस बार किसको ट्रिब्यूट दिया गया, तो यहाँ पर जो ट्रिब्यूट दिया गया है वो लता मंगेशकर जी को दिया गया। इसका आंसर बताओ, आलिया भट्ट, OMG, आलिया भट्ट, ओहो। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आशा पारेख, हे प्रभु, ये नाम सुनने से पहले, अच्छा आगे नहीं बोलेंगे, तुम लोगों ने मना किया अदरवाइज बोल देते, आलिया भट्ट नहीं होगा भाई, मतलब क्या बात कर रहे हो, क्वेश्चन तो पढ़ लो है, मतलब कुछ भी। वेल, आलिया भट्ट की अगर हम बात करें तो ये ध्यान रखिएगा कि जो पेटा अवार्ड है, कौन सा वाला, पेटा वाला जो अवार्ड है जो एनिमल्स के लाइक केयर के लिए दिया जाता है, उसके अंदर आलिया भट्ट को अवार्ड मिला था, लेकिन यहाँ पर इस अवार्ड का इनसे कोई लेना देना नहीं है। सेकेंडली, हेमा मालिनी जी का नाम लिखा हुआ है, आपको याद होगा कि गोवा के अंदर इंटरनेशनल लेवल पर फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया, वहां पर हेमा मालिनी जी को अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइए, बताइए क्रिटिक्स की कैटेगरी में बेस्ट एक्टर का अवार्ड, क्रिटिक्स की कैटेगरी में बेस्ट एक्टर का अवार्ड बताओ। देखो क्लास में कोई मिस यूनिवर्स भी आज आया है, स्पाई, चंदन, ओके, शिनचैन, रिया, ओके। चलो इसका तो आंसर इजी वाला है, ये कौन है, सिद्धार्थ मल्होत्रा। आप लोगों को मूवी का नाम तो याद ही होगा, कौन सी वाली मूवी है, सभी ने इस मूवी को देखा हुआ है, और आई थिंक अभी 3 या 4 दिन पहले ये मूवी आ भी रही थी सेट मैक्स पे। वेल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शेरशाह मूवी के लिए इनको अवार्ड से नवाजा गया है। अगला सवाल, क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया, क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्रिटिक्स शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है, बेस्ट एक्ट्रेस नहीं लिखा है। अगर बेस्ट एक्ट्रेस लिखा होता तो आंसर कृति सेनन होता, मूवी कौन सी थी, मिमी मूवी के लिए इनको अवार्ड दिया गया था, बट यहाँ पर क्रिटिक्स की कैटेगरी में पूछा जा रहा है। बताओ भैया, ये मत कर देना, खतरे की घंटी है थोड़ा सा, ये नाम देख के लग सकता है इसका आंसर, कियारा आडवाणी, कियारा अडवाणी पक्का, ओके। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कियारा अडवाणी। मैम आज नींद बहुत अच्छी आएगी, है ना, पहले कृति सेनन मिली, उसके बाद में कियारा अडवाणी भी मिल गई है, अब बस मैम लाइफ इज फुल ऑफ वर्ड चार्म, ओके। ध्यान दीजिएगा कि कियारा अडवाणी जो हैं ये मिंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं,
हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड करके पूछा जाए, तो बी प्रिपेयर्ड कि कियारा आडवाणी मिंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जब मिंत्रा के एड्स आते हैं तो उसमें ऋतिक रोशन भी आते हैं, तो ऋतिक रोशन कियारा आडवाणी दोनों के दोनों मिंत्रा के कौन है, एम्बेसडर्स हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल बताइए, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल अवार्ड, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल अवार्ड बताइए। देखो गुड मॉर्निंग कौन कर रहा है भाई, आनंद, गुलशन, पेस्ट्री, अरे भाई कुछ लोग भाभी माँ पे ही अभी रुके हुए हैं। एच मामा बिल्कुल सही है, ये ब्रांड लॉन्च किया था आलिया भट्ट ने, करेक्ट है, बिल्कुल सही। बताओ अक्षय गौतम, हाँ बेटा आपके कमेंट शो कर रहे हैं, इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, सतीश कौशिक जी। आप लोगों ने देखा होगा कि इनकी कॉमेडीज वगैरह काफी अच्छी रहती है मूवीज के अंदर, तो इनको यहाँ पे से अवार्ड से नवाजा गया। अगला, बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल, बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल बताओ। अच्छा एक चीज़ और, अभी ये ऑस्कर वाला जो अवार्ड्स है ना, ये अवार्ड्स एक बारी से हो जाएं, उसके बाद में जितने भी अवार्ड्स अभी रहे हैं रीसेंट वाले उन सबका क्लास एक साथ हम ले लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल ये टॉपिक था, इम्पॉर्टेंट था, तो इसको रिवाइज कर लेते हैं। हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा लारा दत्ता। आई होप कि आप लोग इनके बारे में जानते ही होंगे, मुझे इनको इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लारा दत्ता। नेक्स्ट पे आइए, बेस्ट एक्टर इन द निगेटिव रोल अवार्ड, बेस्ट एक्टर इन द निगेटिव रोल बताओ। अच्छा कल इस टाइम पे जो आपका क्लास रहेगा वो रशिया और यूक्रेन के ऊपर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं कल इसी टाइम पर, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ, शेखर, बुद्धिराम, अनकैडमी, ओके, रिंकी, रोहित, योगेश, गुड़िया, ओके, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, आयुष शर्मा। अब ये जानते हो ना आयुष, सलमान खान उनकी सिस्टर, उनके हस्बैंड, हाँ समझ ही गए होंगे, तो ये नाम याद रखिएगा यहाँ पर, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला, पीपल्स चॉइस बेस्ट एक्टर अवार्ड, पीपल्स चॉइस बेस्ट एक्टर अवार्ड, मान के चलो कि ये क्वेश्चन 90% है कि आपके सवाल में आपको कहीं ना कहीं इसका रिफ्लेक्शन देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि पीपल्स चॉइस की बात कर रहा है, पीपल्स चॉइस अवार्ड। बड़े तुम लोगों को ये सारे नाम याद है यार, मेरे लिए तो कुछ नाम बड़े नए नए से हो जाते हैं, जैसे कि आयुष शर्मा है ना, बड़ा सोचना पड़ा मुझे कि अच्छा आयुष शर्मा। हाँ जी बताइए, खाना बनाते बनाते क्लास चल रही है, अरे भैया तुम लोग बिल्कुल लाजवाब। देखो एक भैया आए हैं क्लास में, कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। मैम फुल थ्योरी कहाँ से पढ़े, बेटा फुल थ्योरी करेंट अफेयर्स में पढ़ा तो दिया है, क्लास में नहीं आए थे क्या, इसकी पूरी कहानी सुबह 7 बजे हम आपको पढ़ा तो चुके हैं, भूल गए बेटा। क्लास में जब आप आते हो ना तभी आपको फुल थ्योरी, फुल एनालिसिस विद एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलते हैं, जब आप क्लास में आओगे ही नहीं तो रिवीजन का कोई लॉजिक ही नहीं होता, ठीक है, तो पहले क्लास में आना पड़ता है सुबह। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, अभिमन्यु दसानी, ये नाम भी थोड़ा नया सा है बट ठीक है, याद रखिएगा। ओके, एक्ट्रेस कौन रही है पीपल्स चॉइस के लिए, एक्ट्रेस कौन रही है पीपल्स चॉइस के लिए, एक्टर वरुण धवन के साथ में चले गए थे तुम लोग तो, ओहो ओहो। चलो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बनेगा राधिका कौन मदन। आई होप कि आपने इनको देखा होगा, इनको आप लोगों ने कुछ टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा है ना, और ये अभी रिसेंटली इनको इस अवार्ड से नवाजा गया, पीपल्स चॉइस बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से इनको नवाजा गया है। अगला, बेस्ट डेब्यू अवार्ड किसको मिला, बेस्ट डेब्यू अवार्ड से किसको नवाजा गया। डेब्यू का सिंपल सा मतलब है कि जिसकी पहली मूवी थी और उन्होंने काफी अच्छा काम किया। अब देखो विद्युत तो नहीं हो सकता है ना, विद्युत तो अपने लोगों का फेवरेट है ना, तो विद्युत तो नहीं होगा, अब बताओ। ठीक है, राधिका राधिका राधिका, भाई इतनी बार राधिका मत करो वरना राधिका आ जाएगी। इसका आंसर क्या है, आहान शेट्टी, ये कौन है, आहान शेट्टी। अब देखो गाना तुरंत से बता देंगे, ओ यस मैम मैंने वो एक गाना सुना था, जरा लिखकर बताना कि वो कौन सा वाला गाना था जहां पर आपने इनको देखा होगा, फिर इनकी एक मूवी भी आई थी हाँ, लेकिन उसका एक ही गाना था जो सबसे ज्यादा लोगों ने सुना, जरा मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताओ तो कि वो कौन सा वाला था, सॉन्ग कौन सा था, बस ये बताओ।
अभी देखो तुरंत बहुत तेजी से आंसर आएगा। अगला सवाल में पूछा जा रहा है प्लेबैक सिंगर मेल कैटेगरी में अवार्ड से किसको नवाजा गया। प्लेबैक सिंगर, प्लेबैक सिंगर, अच्छा तड़प मूवी आई थी, राइट बिल्कुल सही है, तड़प मूवी आई थी उसका गाना था। चलिए बताइए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड। हाँ ये सब मूवी वूवी वाले और ये क्रिकेट क्रिकेट वाले जो सवाल है ना ये सब आप मत पढ़ाया करो, हमें आपसे ज्यादा पता होता है, यही कहना चाहते हो। अच्छा इससे मुझे याद आया कि यार सीएसके अपनी वही चेन्नई सुपर किंग्स की जो टीम है कैप्टेंसी चेंज हो गई यार, धोनी की कैप्टेंसी चली गई है किसके पास में, जडेजा के पास में। खैर इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, विशाल मिश्रा को यहाँ पर इस अवार्ड से नवाजा गया है। अगला फीमेल की कैटेगरी में प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसको दिया गया। फीमेल की कैटेगरी में प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसको दिया गया। अच्छा क्रिकेट वाला सब पता है, मूवी वाला नहीं पता था। अच्छा जीवन का मुख्य उद्देश्य है सुबह 7 बजे का क्लास जो कि ऑक्सीजन से भी ज्यादा जरूरी है। वाह 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 वाह, चलो इसका आंसर बताओ। हाँ जी इसका आंसर क्या होगा, कनिका कपूर, कनिका कपूर। अच्छा अरे भाई इनका नाम तो बहुत ज्यादा सुनने में मिला था जब ये यूपी में आई थी, और जब ये आई थी तो उस टाइम पे इनको कोविड था तो ये एक पार्टी में चली गई थी, आपको याद है वही वाली कनिका कपूर है। चलिए अच्छा तो इसका राइट आंसर क्या है, कनिका कपूर, ये रहे आपके सामने। चलिए नेक्स्ट पे आइए, क्रिटिक्स बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया। क्रिटिक्स बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया। महिमा ठीक है, ठीक है ओके चलो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, सरदार उद्धम सिंह। आप लोगों ने ये वाली मूवी, अरे मैम क्या याद दिला दिया, मैम ये याद नहीं दिलाना था, आप कुछ भी याद दिला देती बट आपको ये याद नहीं दिलाना था, है ना। अब इनको देख के आपको कटरीना कैफ याद आ गई होंगी, क्यों क्या कहते हो। देखो यार एक चीज याद रखिएगा कि उरी मूवी को नेशनल अवार्ड बहुत सारे मिले थे और वहां पर आपको विकी कौशल देखने को मिले ही मिले थे। बस यहाँ पे याद रखिएगा कि बेस्ट क्रिटिक्स की कैटेगरी में जो अवार्ड गया है वो यहां पर इस मूवी को दिया गया था, ठीक है। चलिए अच्छा नेक्स्ट बताइए, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको दिया गया। हां जी बताइए, आलू गोभी चल रहे हैं, हाँ हाँ बस आई कैन ईट, ठीक है बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर जब हम बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड की बात करेंगे तो केन घोष को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखो ये चीज ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि इनके नाम के ऊपर आपसे सवाल ना पूछा जाए, बट 3-4 कैटेगरीज ऐसी हैं जिनके ऊपर आपसे सवाल बनने के चांसेस सबसे ज्यादा है, बट ये टॉपिक थोड़ा सा बर्निंग था तो मैंने सोचा कि एक बार इसको रिवाइज करा देते सो दैट कि अगर कोई भी सवाल कितना भी टफ क्यों ना आए आपके पास में जवाब रहेगा। सिनेमेटोग्राफर का अवार्ड किसको दिया गया। सिनेमेटोग्राफर का अवार्ड किसको दिया गया बताओ। ओके ठीक बिल्कुल सही, हाँ जी यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे आलिया भट्ट मत कर देना, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जय कृष्णा को यहाँ पे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट बेस्ट शॉर्ट फिल्म, ये नहीं आएगा सवाल, पूछो क्यों, देखो इसकी जगह पे सवाल जो आएगा ना आपका वो आएगा कि अभी हाल ही में जो डॉक्यूमेंट्री है जो कि नॉमिनेट करी गई है ऑस्कर के लिए उसके ऊपर आपसे सवाल पूछा जाएगा, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज्यादा कम है, बट फिर भी आंसर करके बताओ बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया। बेस्ट शॉर्ट फिल्म, उरी को शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिलवा रहे हो, अच्छा सोच लीजिए एक बार इसे सोच लो। पॉली कौन से वाले, ये वो वाले किलिमंजारो वाले, चलो इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा, पॉली, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट बेस्ट एक्टर का अवार्ड वेब सीरीज में किसको दिया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड वेब सीरीज में किसको दिया गया बताइए। थैंक यू सो मच मैम, एमपीपीएससी का पेपर अच्छा हुआ, चलिए मुबारक। हाँ जी बताइए,
इस अवार्ड से किसको नवाजा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, मनोज बाजपेयी। आप लोगों ने इनका नाम अभी सुना होगा, जब नेशनल लेवल पर जो अवार्ड दिए गए थे उसके अंदर आपने मनोज बाजपेयी का नाम सुना होगा और धनुष का नाम सुना होगा। इन दोनों लोगों को वहां पर बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। एक ऑप्शन लिखा हुआ है अक्षय कुमार। आपको याद होगा कि उत्तराखंड के अंदर अभी हाल ही में जिनको एम्बेसडर के रूप में चुना गया है वो कौन है, अक्षय कुमार। और ये सवाल अभी पेपर में, स्टेनो के पेपर में पूछा भी गया, तो प्लीज इस नाम के साथ में बहुत अच्छी तरीके से क्या रट्टा मार के रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए। कल इसी समय पर जो आपका टॉपिक होगा वो रशिया और यूक्रेन के बेसिस पे सारे सवाल, रेलवे से लेके यूपीएससी तक जितने भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे सारे के सारे कल शाम को इसी जगह पर आपको करा दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आपसे मुलाकात करेंगे सुबह 7 बजे। अच्छी तरीके से रिविजन आपने कर लिया है। मैम अरमान मलिक को अवार्ड क्यों नहीं मिला? बेटा इसके लिए हम पिटीशन फाइल करवाएंगे, तो टेंशन ना लो, अरमान मलिक को अवार्ड जरूर से दिलवाएंगे, ठीक है। चलिए इसके अलावा आपका नया पेड बैच गाइस स्टार्ट होने जा रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा एसएससी, रेलवे, स्टेनो किसी भी कैटेगरी में आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, बस टाइमली ज्वाइन कर लेना क्योंकि प्राइस हाइक होने वाले हैं। कोड कृति 10 लगेगा, बैचेस की फी जो है वो 10% कम हो जाएगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में ज्वाइन करिए। स्टडी प्लानर होता है, टॉप एजुकेटर्स आपको मिलेंगे, आइकॉनिक फीचर्स होते हैं, आस्क अ डाउट, टेस्ट सीरीज, रेज योर हैंड और यहाँ पे रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। जीके का बेसिक से बैच, मैथ का, रीजनिंग का और इंग्लिश का ये स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम 28th। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन प्लीज समय पर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो मुलाकात करते हैं आपसे कल सुबह 7 बजे ओनली ऑन बायफा स्टडी स्टूडियोज चैनल। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। गुड नाइट टू ऑल।